मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 24 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबू दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी रजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी रजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। और उत्तर में बाबा हमें बता रहे हैं कि संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे, निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। आज मुरली का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। अब इन दो लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वह हाथ उठाएं। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने पूछा, यह किसने कहा कि तकदीर जगाकर आई हूँ? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है, क्या कहती है, कि मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। तो बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी तकदीर? और फिर बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं कि नई दुनिया में जाने की तकदीर। बाबा कहते हैं, नई दुनिया है स्वर्ग, यह पुरानी दुनिया है नर्क। तो ये सब आत्माएं कहती हैं, क्या कहती हैं, कि मैं तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया में जाना है ना, इसलिए। बाबा कहते, आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, तब तो बोले। जीव की आत्माएं कहती हैं कि हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। तो बाबा पूछ रहे हैं कि पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला वह एक बाप ही है। बाबा कहते, इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहें कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा भी कोई नहीं है जो कहे मैं बाप हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। बाबा कहते, ये ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं, एक शिव बाबा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, कि मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु हूँ, वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हैं कि हम आए हैं नई दुनिया के राजधानी की तकदीर बनाने। बाबा कहते, हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो, गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। बाबा कहते, यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यह गीत तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। बाबा कहते, इस समय सारी दुनिया में है भक्ति, सत्युग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया है। पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। अब फिर से तकदीर बनाते हैं, बाप आए ही हैं तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, और वह है अव्यभिचारी भक्ति, फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं। उनको कोई शरीर है नहीं, वह इस शरीर में बैठ बोलते हैं।
इस शरीर में ना, ब्रह्मा के शरीर में, जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा चली गई फिर आ गई नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं होता कि चली गई फिर आ गई। बाबा कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई? ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, किसी को पता ही नहीं पड़ा। ऐसे कभी कभी हो जाता है, बाबा कहते चिता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं, तो ये क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई? फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है, तो आत्माओं का देश है परम धाम। तुम जानते हो हम वहां उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए सत्युग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। बाबा कहते सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं है जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो। बाप समझाते हैं भारतवासी अपने मूल धर्म को भूल गए हैं। हमारा ग्रस्त धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्होंने कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई फिर वहां भूल जाएंगे। बाबा कहते अभी तुम हर एक समझते हो कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है और फिर सत्युग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे कि हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है, अज्ञान काल में बांटा जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं कि हम बैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच मर्तबा पाना है। वह है तुम्हारे पुरुषार्थ परमदार। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। बाबा कहते सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डली बन जाती है। यह आत्मा भी सच्चा सोना थी, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले है गोल्डन एज्ड, फिर चांदी की खाद पड़ी। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती है तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी घटती जाती है। बाबा कहते मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है, और 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आज से 5000 वर्ष पहले नई थी। इन देवी देवताओं का राज्य जो था वो कहाँ गया? बाबा कहते कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया, गोरे से सांवरे हो गए। कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना, टांग नरक तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। तुम भी उस कुल के हो। बाबा कहते तुम्हारी भी टांग नरक तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलधार बरसात, आग अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुक चुक कर घर चली जाएंगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। बाबा कहते अभी तो सब है कांटे, काम कटारी चलाना यह कांटा लगाना है। यह तो बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते तुम पावन थे तो ग्रस्त व्यवहार भी पवित्र था, अभी तुम पतित बने हो तो ग्रस्त व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सत्युग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहां झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती।
झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। वहां तो अथाह पैसे रहते हैं, अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता, वहां कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह महाराजा बनेंगे, हीरे ज्वारों के महल मिलेंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। बाबा कहते वहां तो सब पवित्र होंगे, राजा रानी वजीर भी एक, वहां कोई बहुत वजीर नहीं रहते। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सत्युग में हमारा राज्य था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, और फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं। बाबा कहते हैं फिर स्वर्गवासी बनते हैं, यह खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे और फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। बाबा कहते सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वे लोग जो सत्य नारायण की कथा सुनते हैं वह कोई नर से नारायण बनते नहीं, तो वह कथा झूठी हुई ना। बाबा कहते यहाँ तुम बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए। वह ऐसे थोड़ी कहते हैं कि पवित्र बनो, मामे कम याद करो। बाबा कहते सत्य नारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय को पूर्णमासी कहा जाता है, 16 कला चंद्रमा को। बाबा कहते जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात, और सत्युग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। यह सब पॉइंट समझने की है। यह शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं जैसे इनकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे फिर पतित बने हो, अब मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगर घर वापस जा नहीं सकते, पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ तब हम उड़े, अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। बाबा कहते वे हैं हम आत्माओं का घर, पतित घर जा नहीं सकते हैं। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। बाबा कहते नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मजा है ना। पहले पहले सत्युग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सत्युग में जाते हैं फिर हम देरी से क्यों जाएं। बाबा कहते तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत श्रेष्ठ बने। पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। पहले पहले है देह अभिमान, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, उनको शांति धाम कहा जाता है। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है, सत्युग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं। बाबा कहते यहाँ तो बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाती है, सत्युग में ऐसी कोई बात होती ही नहीं। उसको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया है, फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाते हैं। अभी तुम नई दुनिया के लायक बने हो, अभी तो नरक है। अभी तुम आए हो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। बाबा कहते कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं। हम स्वर्गवासी बनते हैं फिर रावण राज्य शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं। अभी सब विकारी पतित हैं, तब बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे,
बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहां और धर्म वाले होंगे नहीं, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। बाबा कहते ये सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य और असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। बाबा कहते अभी सब आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा। बाबा कहते वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। यह प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है, ऐसे मैप्स कहाँ होते ही नहीं। बाबा कहते अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी परंतु उनका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं। कहा जाता है 7 रोज के लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी हो, सीडी में देखो कितना क्लियर है। यह है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो कि बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे परंतु नगन यानी कि पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है, दैवी स्वभाव धारण करना है। सेकंड पॉइंट है घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। और स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।